नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। शिवराज सिंह चौहान जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वे अपने आप को किसान प्रेमी बताते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वे किसान विरोधी हों। मक्का का समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया था, उस हिसाब से खरीदारी नहीं की जा रही है, जिसके कारण किसान परेशान है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने को किसान पुत्र बोलते हैं, और लेकिन किसानों की दशा पे बड़ा अफसोस होता है कि आज किसानों ने मक्का का जो केंद्र ने समर्थन मूल्य दिया है, उस पर मध्य प्रदेश में खरीदारी नहीं हो रही है। तो इससे शिवराज सिंह चौहान का किसान विरोधी चेहरा भी दिखता है। प्याज जो हमारे किसान भाई 2 रुपये किलो में भी मंडी पर लाइन लगा के खड़े हैं, उनकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुखिया से ये निवेदन करूंगा, कोरोना टाइम में किसानों के साथ ऐसा कुठाराघात ना करें, जिससे कि उनकी साल भर की मेहनत पानी में बर्बाद हो रही है, और उनके समर्थन मूल्य जो आप ही की मोदी सरकार द्वारा निर्धारित है, उसको न खरीद के आप मोदी जी के भी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ तो आप कुठाराघात कर रहे हैं। अगर आपने अपने को किसान विरोधी बताया, तो आगामी उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता आपके खिलाफ जो जनमत देगी और कमलनाथ की सरकार को वापस लाने का काम करेगी।